नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। लौट के केजरीवाल धरने पर आए। जी हां, आम आदमी पार्टी के लिए ये वही मोड़ है जहां से उसकी सियासत की शुरुआत हुई थी। सीएम रहते हुए केजरीवाल जो इस बार एलजी हाउस में धरने पर बैठे हैं, उसे उन्हीं तेवरों की वापसी कहा जा रहा है जिसके साथ वो राजनीति में दिल्ली की सत्ता में आए। दिलचस्प ये है कि सत्ता के 3 साल में ये तेवर पहली बार दिख रहा है। सारे नेताओं को उखाड़ के फेंकना है, सारी राजनीति को साफ करना है कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे आप लोगों। हमारे पास भ्रष्टाचार का अनुभव नहीं है, हमारे पास अपराध का अनुभव नहीं है, देश को लूटने का अनुभव नहीं है। बहुत खतरनाक लोग इस देश की सत्ता पे गलती से आ गए हैं। ये एक्चुअली बीजेपी और कांग्रेस वाले क्या जाने की त्याग क्या होता है। मैं एनार्किस्ट हूं, इस रूप में अराजक भी और आंदोलनकारी भी। 2014 आम सभा चुनाव में जब अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए ये जुमला इजाद किया, तब वो सत्ता का स्वाद तो चख चुके थे मगर इसे दोबारा हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बनारस से लेकर दिल्ली तक सत्ता में भागीदारी के लिए संघर्ष कुछ ऐसे आंदोलनकारी तेवरों के साथ। ये तेवर अरविंद केजरीवाल के आंदोलनकारी विरासत का हिस्सा है जो दिल्ली के सत्ता में आते आते मध्यम तो पड़ा लेकिन सियासी अंदाज में कहीं न कहीं बना रहा। जब से हमारी सरकार बनी है तभी से केंद्र सरकार और पीएमओ अलग अलग तरीके से अलग अलग एजेंसीज के थ्रू सीबीआई, एलजी, दिल्ली पुलिस, आईएएस अफसर, ईडी, इनकम टैक्स, इन सारी एजेंसीज को पीछे छोड़ा हुआ है कि किसी भी तरह से इनको काम करने से रोको। तो इसे केजरीवाल के आंदोलनकारी तेवर की तैयारी समझ लीजिए। एलजी बनाम दिल्ली सरकार की तनातनी तो तब से चल रही है जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, लेकिन धरने की नौबत इससे पहले कभी नहीं आई। जुबानी तौर पर केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपालों के लिए जुमले तमाम इस्तेमाल करते रहे हैं। केंद्र सरकार की कठपुतली से लेकर साहिब के आदमी जैसे विशेषणों का इस्तेमाल करते हुए आरोप लगाते रहे हैं। एलजी के जरिए केंद्र हमें काम नहीं करने दे रहा, उस जंग का ब्यौरा भी हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एलजी हाउस में इस धरने की ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी। सोमवार की शाम अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिलने पहुंचे, कुछ मांगे रखी लेकिन उन पर कोई भरोसा नहीं मिला। फिर क्या था, एलजी दफ्तर में ही धरने पर बैठ गए। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भूख हड़ताल शुरू कर दी तो बुधवार को मनीष सिसोदिया ने भी अनशन शुरू कर दिया। इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं कि एलजी साहब इस पर निर्णय लें, एलजी साहब आईएएस अफसरों को कहें कि मंत्रियों की मीटिंग्स में जाइए, काम करिए, ये हड़ताल खत्म करिए, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस तरह केजरीवाल एंड टीम धरना एलजी हाउस की वातानुकूलित दफ्तर में शुरू हो गया। सोफे पर लेटे सीएम और मंत्रियों की तस्वीरें चारों तरफ वायरल हो गई। इसके साथ सरकार की 3 मांगे भी गर्मा गई। उपराज्यपाल सर्विस विभाग के प्रमुख हैं, इसलिए आईएएस अधिकारियों के हड़ताल खत्म कराएं, गैर कानूनी रूप से काम रोकने वाले आईएएस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की योजना मंजूर करें। हमने कई बार एलजी साहब को बार बार बोला जी, इस हड़ताल को गैर कानूनी घोषित किया जाए, आईएएस अफसरों को बोला जाए कि वो काम पे लौटें, और पूरी कैबिनेट ने एलजी साहब को कहा कि आप इंटरवीन कीजिए, ऑर्डर जारी करिए, रिटर्न ऑर्डर जारी करिए और इस हड़ताल को गैरकानूनी घोषित कीजिए, सारे आईएएस अफसरों को कहिए काम पे लौटें। एलजी साहब ने रिटर्न ऑर्डर जारी करने से मना कर दिया। सीएम केजरीवाल एंड टीम का धरना 4th दिन भी जारी है। उपराज्यपाल से मिलने की गुहार बरकरार है लेकिन अनिल बैजल की तरफ से अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं है। अलबत्ता बीजेपी ने केजरीवाल के अंदाज में ही एक्शन ले लिया है। सीएम केजरीवाल एलजी के दफ्तर में धरने पर बैठे हैं तो बीजेपी के नेता और विधायक खुद मुख्यमंत्री के आवास में। इधर भी मांगे 3 हैं।
केजरीवाल एलजी हाउस में धरना खत्म करने और लोगों के सामने पानी, बिजली और दूसरी तत्काल समस्याओं पर ध्यान दें। दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल रहा है, दिल्ली के बच्चे, महिलाएं, छात्र, युवा, झुग्गी के लोग, सब लोग पानी के लिए बिलबिला रहे हैं, चिल्चिला रहे हैं। एलजी साहब को सिर्फ आईएएस अफसरों को आदेश देना है कि वो हड़ताल को तोड़े और दिल्ली के काम में वापस आए। तो इस तकरार के साथ धरना आंदोलन का रूप ले रहा है। एलजी के साथ केजरीवाल की जंग आईएएस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग के साथ नए सिरे से गर्मा रहा है। इससे केजरीवाल एंड टीम के उस तेवरों को धार मिल रही है जिसकी बदौलत दिल्ली का तख्त देखते ही देखते अपने नाम कर लिया। आशुतोष, दिल्ली आज तक। अपने आंदोलनकारी अतीत के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गई और सरकार के कामकाज के बीच इस रुख पर बहुत हद तक मौन भी, लेकिन वो मौन अब टूटता दिख रहा है। केजरीवाल के साथ पार्टी फिर से धरना प्रदर्शन मोड में आ गई है। इसकी बड़ी वजह उपराज्यपाल से सरकार की तनातनी रही है। तो ये साल 2018 ही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए आंदोलनकारी तेवरों के साथ शुरू हुआ। फरवरी के जिस महीने में पार्टी अपनी सत्ता के 3 साल का जश्न मना रही थी, इस दौरान आम आदमी से जुड़े अपनी उपलब्धियां गिन रही थी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से वही पुरानी जंग शुरू हो गई। मसला था दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मीटिंग में हाथापाई का। उस मीटिंग में केजरीवाल अपने डिप्टी सीएम सिसोदिया के साथ मौजूद थे। आरोप पहले बसुलू की और हाथापाई का लगा, लेकिन गृह मंत्रालय तक मामले की रिपोर्ट जाते जाते मामला मारपीट का बन गया। कोर्ट में डीसीपी नॉर्थ ने कहा कि अंशु प्रकाश को लगी चोटें उन्होंने खुद देखी हैं। मामले में दोषी 2 विधायकों के साथ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी ठहराए गए। इस आरोप के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने पहली बार आंदोलनकारी रुख अपनाया। अफसर को थप्पड़ और उसके बाद जांच की आंच सीएम और डिप्टी सीएम तक पहुंची, तो बयान कुछ इस तेवर के साथ आए अरविंद केजरीवाल के। और 2 महीने से ये फाइल ऊपर नीचे हो रही है। अब इनको अफसरों को कुछ कह दो तो इनको बुरा लगता है। हमें पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, इसलिए ये 24 घंटे हमारे सिर पे चढ़े रहते हैं, ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले। वैसे सरकार में रहते हुए तंग किए जाने का सवाल केजरीवाल सरकार ने बकायदा पोस्टर छपवा कर सरेआम किया था। तब विवाद इस पोस्टर के स्टेटमेंट से लेकर सरकारी खर्चे को लेकर उठा था, लेकिन परेशानी की बात पिछले 3 सालों में अलग अलग मसलों को लेकर उठती रही। अगर बात दिल्ली के शासन और प्रशासन की हो तो अफसरों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार के बाद सबसे बड़ा टकराव नजीब जंग के साथ सामने आया। नजीब जंग दिल्ली की सत्ता में केजरीवाल के एंट्री से पहले ही जुलाई 2013 में उपराज्यपाल बनाए गए थे। इन्हीं के रहते केजरीवाल ने 49 दिन वाली सरकार चलाई, जन लोकपाल बिल के सवाल पर इस्तीफा दिया। तब नजीब से सीधे सीधे जंग होते होते रह गई। मगर 2015 में प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता में लौटते ही केजरीवाल के तेवर और नजीब जंग के साथ तकरार तीखी होती गई। उस जंग की शुरुआत अप्रैल 2015 में होती है, जब केजरीवाल ने जमीन, जन आदेश और पुलिस से जुड़ी फाइलें पहले मुख्यमंत्री दफ्तर में लाने का आदेश दिया। इस पर नजीब जंग ने आदेश दिया वो कोई भी फाइल सीएम के दफ्तर में पहले भेजने को बाध्य नहीं है। मई 2015 में आईएएस अफसर शकुंतला गैम्बलिन को लेकर विवाद हुआ। केजरीवाल ने गैम्बलिन पर बिजली कंपनियों के लिए लॉबिंग करने का आरोप लगाया। इसके बाद नजीब जंग ने आदेश जारी किया, हर ब्यूरोक्रेट की पोस्टिंग उनकी मर्जी से होगी। इसके तहत जून 2015 में नजीब जंग ने बिहार पुलिस कैडर के 5 अफसरों की नियुक्ति रद्द कर दी। उन 5 अफसरों की नियुक्ति दिल्ली सरकार ने अपने एंटी करप्शन ब्यूरो में की थी।
लेकिन नजीब जंग ने दलील दी एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रमुख वो हैं। इसके बाद नजीब जंग ने एंटी करप्शन का चीफ दिल्ली जॉइंट कमिश्नर रैंक के एक पुलिस अफसर एम के मीणा को बनाया। तब एलजी के ऐसे फैसलों को केजरीवाल ने अपने काम में दखल करार दिया। दिसंबर 2016 तक जब तक नजीब जंग दिल्ली के उपराज्यपाल रहे तब तक केजरीवाल सरकार से अलग अलग मसलों पर तकरार चलती रही। शासन में अधिकार को लेकर बढ़ती वो तकरार अदालत तक पहुंची। अदालत में मामले और भी तमाम हैं और आंदोलन के लिए मांगें भी तमाम। मसला एलजी के मुकाबले शासन पर दिल्ली सरकार के ज्यादा अधिकार का भी है और अलग राज्य के दर्जे से लेकर दिल्ली पुलिस पर पूर्ण नियंत्रण का भी। तो चुनावी मौसम में समझिए आंदोलन की नई जमीन तैयार है केजरीवाल एंड टीम के लिए। आज तक ब्यूरो। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 साल पहले एक आंदोलनकारी के तौर पर उभरे। तब हाथ में सत्ता नहीं थी, बस स्वराज का सपना था। सत्ता मिलेगी तो सरकार के साथ पार्टी में भी साफ सुथरे लोकतंत्र और अनुशासन की स्थापना करेंगे। इसी मकसद के साथ आंदोलन छोड़ चुनावी राजनीति में उतरे थे अरविंद केजरीवाल। कोई युग नहीं बीता, वो आंदोलन 5 साल पहले का ही है और राजनीति में आने को लेकर अरविंद केजरीवाल का ये बयान भी। इस कीचड़ को ही साफ करना है, इसी को साफ करने के लिए हम लोग उतरे हैं राजनीति के अंदर। अन्ना के उस आंदोलन ने केजरीवाल का कद इतना तो कर ही दिया था कि वो अपने फैसले कर सके और ये वही अरविंद केजरीवाल थे जो भारतीय राजस्व सेवा की नौकरी करते हुए बदलाव के लिए परिवर्तन नाम का एनजीओ खोला था। परिवर्तन का वो आंदोलन इतना चर्चित हुआ कि साल 2006 में केजरीवाल को मैग्सेस पुरस्कार मिला। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के लिए तब ऐसे ही लोगों की तलाश थी अन्ना हजारे को। केजरीवाल अपनी पूरी टीम के साथ अन्ना के साथ जुड़ गई। 26 नवंबर 2012 को इंडिया अगेंस्ट करप्शन की कोर कमेटी ने बहुमत के साथ फैसला किया राजनीति में उतरने का। पार्टी का नाम तय किया गया आम आदमी पार्टी। दिसंबर 2013 के उन चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूरी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए और 28 सीटें जीतकर दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। वो जीत बड़ी थी मगर सियासत में समझौतों की शुरुआत उसी जीत के साथ होती है। मुद्दों के आधार पर कांग्रेस से बाहरी समर्थन के साथ केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। तब भी उनका अंदाज आंदोलनकारी का ही बना रहा। पुरानी नीली वैगन आर में यात्रा और दिल्ली के किसी भी गली मोहल्ले में बिना किसी सुरक्षा के चले जाना, सबकी समस्याएं सुनना और इसके हिसाब से फैसले करना। 2015 में वही आंदोलनकारी केजरीवाल दिल्ली की 70 में से 67 सीटें जीतकर एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंका रहे थे। आंदोलनकारी की छवि हालांकि सत्ता के गलियारों में गुम हो रही थी जो केजरीवाल अपने आरोप से दिखते नहीं थे। वो मानहानि के मुकदमों में सरेआम माफी मांगते दिखे लेकिन अब वो छवि तोड़ने पर आमादा दिख रहे हैं केजरीवाल। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें सबसे तेज और सटीक खबरों के लिए डाउनलोड करें आज तक ऐप या फिर विजिट करें www.aajtak.in और बने रहें आज तक के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूल।